नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कश्मीर घाटी में ताजा संघर्ष में 5 की मौत। कश्मीर में बड़गांव और अनंतनाग जिले में पत्थर फेंक रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच ताजा संघर्ष में मंगलवार 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घाटी में कर्फ्यू पाबंदी और अलगाववादी समर्थित हड़ताल के कारण आज लगातार 39वें दिन जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके साथ ही घाटी में जारी अशांति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बड़गांव जिले के मागम के अरी पठान इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर फेंक रहे प्रदर्शनकारियों पर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 5 घायल हो गए। अनंतनाग जिले की जांगलात मंडी में हुई एक अन्य घटना में 5 लोग घायल हो गए। मोदी से मिला प्रोत्साहन, तेज हुई बलूचिस्तान की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगात्मक शब्दों से प्रोत्साहित होकर बलूच नेशनल मूवमेंट के नेताओं ने पाकिस्तान के दमनकारी शासन के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय देशों से समर्थन मांगा है। मूवमेंट के अध्यक्ष खलील बलूच ने एक वक्तव्य में कहा कि विश्व को समझना चाहिए कि पाकिस्तान द्वारा धार्मिक आतंकवाद की नीति को औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के दीर्घकालिक दुष्परिणाम होंगे। आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे प्रभावी रूप से निपटना जरूरी है। बलूच ने कहा कि बलूच राष्ट्र आशा करता है कि पाकिस्तान के कब्जे के 68 साल के दौरान और पाकिस्तान से आजादी के लिए हुए 5 युद्धों में बलूच राष्ट्र में मानवता के खिलाफ हुए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने में अमेरिका और यूरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। अमेरिका में गरजे मोदी के मंत्री, पाक को कहा सबसे बड़ा ढोंगी। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि वो देश जो आतंक को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकार के मुखौटे का प्रयोग करते हैं, सबसे बड़े ढोंगी होते हैं। अकबर ने कहा कि भारत समानता में विश्वास करने वाला देश है, न कि दादागिरी में। उन्होंने आतंकवाद को मानवाधिकार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा भी बताया। मंत्री ने कहा कि आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने आगे कहा कि भारत आस्था के वर्चस्व में विश्वास नहीं करता है। जिन देशों का निर्माण आस्था के वर्चस्व के नाम पर हुआ, उनमें आज टूट फूट मची हुई है। अकबर अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के दौरान बोल रहे थे। रघुराम राजन बोले, बैंकर लें बड़े कर्ज की जिम्मेदारी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा ऋण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि ऋण मंजूरी के लिए मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। बैंकों के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि यह भी हो सकता है कि जब समितियां ऋण के संबंध में अंतिम फैसला लें, तब किसी वरिष्ठ बैंकर को ऋण प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना नाम प्रस्ताव पर डालना चाहिए। बिहार विधानसभा में पास हुआ जीएसटी संबंधी विधेयक। बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। हाल में संपन्न मानसून सत्र के बाद इस विधेयक के समर्थन के लिए बिहार विधानमंडल के आज बुलाए गए एक दिवसीय सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधेयक के अध्ययन और विशेषज्ञों की राय लेने पर हमें लगा कि इसका समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के काम में बिहार का योगदान शुरू से रहा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।